हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लासेस। माय सेल्फ रामलन विश्वकर्मा, टुडे डिलीवर माय लेक्चर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग बी फार्मा थर्ड सेम, टॉपिक ड्राइंग प्रोसेस इन फार्मास्यूटिकल। सो गाइस, हम देख आज पढ़ेंगे ड्राइंग प्रोसेस के बारे में जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में यूज की जाती है। इसका कंटेंट है, जो चीज़ें हमको पढ़ना है वो है डेफिनेशन ऑफ ड्राइंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्राइंग, डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड एवोपोरेशन एंड इक्विपमेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं ड्राइंग प्रोसेस में। सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करें तो ड्राइंग डेफिनेशन में ड्राइंग आर यूज टू रिमूव द लिक्विड ऑफ मॉइस्चर, यानी जब हम कोई भी मटेरियल्स लेते हैं या ड्रग्स मटेरियल्स लेते हैं उसमें जो भी लिक्विड और मॉइस्चर होते हैं उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। एक होता है ड्राई, हम पहले उसके वर्ड से समझे तो ड्राई का मतलब होता है सूखा और ड्राइंग मीन्स होता है सुखाना, यानी हमें प्रोडक्ट को कैसे सूखा बनाना है या सुखाना है उस प्रोसेस को हम ड्राइंग कहते हैं। इसमें जो भी मटेरियल में जो भी लिक्विड या मॉइस्चर कंटेंट रहता है उसको हम सुखाते हैं या ड्राई करते हैं। दूसरा है इसमें ड्राइंग इज द फाइनल रिमूवल ऑफ वाटर, ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा ही हम उसमें जो भी लिक्विड कंटेंट है या मटेरियल्स है उसको पूर्णतः या पूरी तरीके से ड्राई कर देते हैं। ड्राइंग इज द कॉमनली द लास्ट स्टेज इन मैन्युफैक्चर प्रोसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जो लास्ट स्टेज है वो ड्राइंग प्रोसेस है। इसके बाद बात आती है ऑब्जेक्टिव्स की, हम ड्राइंग प्रोसेस क्यों करते हैं। तो पहला है इन फार्मा इंडस्ट्री इन ड्राइंग ऑफ द ग्रेन्यूल्स पाउडर, यानी जब हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं तो उस टाइम पे हमें ड्राइंग प्रोसेस करना पड़ती है, पाउडर उसको ग्रेन्यूल्स को ड्राई करने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। दूसरा है ड्राइंग हेल्प इन द साइड डिटेक्शन, साइड जो भी ड्रग हमारे पास होती है उसका अगर साइड डिटेक्शन करना है और उस ड्रग में लिक्विड या मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको ड्राई करके हम आसानी से उसका साइड डिटेक्शन कर सकते हैं। तीसरा है ड्राइंग प्रोसेस इन द फ्लो प्रॉपर्टी, जिस अगर हम मटेरियल की या ड्रग को अच्छी तरीके ड्राई कर लेंगे तो उसकी फ्लो प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उसकी अच्छी सी फ्लो प्रॉपर्टी हो जाती है उसकी। ड्राइंग इज यूजफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, जो अलग अलग तरीके बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं वहां पे भी हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। ड्राइंग हेल्प्स इन द प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग, ड्रग के कोई भी ड्रग है उसका प्रिजर्व करने के लिए, उसकी रोकथाम या उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो उसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है ड्राइंग यूजफुल प्रोडक्शन ऑफ द लैक्टोज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ETC, यानी इसका ड्राइंग प्रोसेस में हम देखें अगर एक एग्जांपल लिए तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का को हम ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन द ड्राइंग एंड द एवोपोरेशन प्रोसेस, यानी ड्राइंग प्रोसेस और एवोपोरेशन में क्या अंतर है इसमें, क्योंकि दोनों प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं, मटेरियल को ड्राई करते हैं। तो ड्राइंग प्रोसेस जो होती है इसमें पहला पॉइंट है इन ड्राइंग प्रोसेस द मेन ऑपरेशन यूजुअली कैरियर आउट ऑन द सॉलिड मटेरियल, यानी जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको ड्राई करने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं और जो लिक्विड मटेरियल होता है उसमें हम किस प्रोसेस का, उसमें एवोपोरेशन प्रोसेस के द्वारा उसको ड्राई करते हैं। दूसरा है ड्राइंग प्रोसेस इज द मोस्ट कॉजेस ऑफ मीन द रिमूवल ऑफ द रिलेटिवली स्मॉल पार्टिकल्स या स्मॉल मॉइस्चर कंटेंट, यानी सॉलिड मटेरियल में जो भी हल्का फुल्का मॉइस्चर या लिक्विड कंटेंट रहते हैं उसको ड्राई किया जा सकता है, लेकिन अगर उसी मटेरियल में ज़्यादा मात्रा में लिक्विड या मॉलिक्यूल्स हैं तो उसको हम एवोपोरेशन के द्वारा ही ड्राई कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इन मोस्ट केस द ड्राइंग इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ वाटर टेम्परेचर बिलो ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट, हम ड्राइंग प्रोसेस में किसी भी मटेरियल या ड्रग प्रोडक्ट को हल्का सा बॉयल या उसका टेम्परेचर बढ़ा करके उसको क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्राई कर सकते हैं। जबकि उसी कंडीशन में अगर वाटर अपने पास लिक्विड प्रोडक्ट है या कोई सॉल्यूशन है और उसमें अगर ड्राइंग प्रोसेस का अपन यूज करना है तो उसमें एवोपोरेशन की प्रोसेस हमको अपनाना चाहिए या पड़ेगी। इन ड्राइंग वाटर इज यूजुअली रिमूव्ड बाय सर्कुलेटिंग ओवर द मटेरियल ऑर्डर टू कैरी अवे द वाटर वेपर, यानी मटेरियल में अगर कोई लिक्विड है तो उसको क्या है, ड्राई प्रोसेस में जब हम अपनाते हैं या बॉयल या टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वो वेपर के रूप में उड़ जाता है या वो ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट है इसमें एवोपोरेशन में वाइल एवोपोरेशन वाटर इज द रिमूव फ्रॉम द मटेरियल एज प्योर वाटर, उसमें अगर कोई वाटर की ज़्यादा मात्रा है तो वो मोस्टली वेपर बन के या वाष्पीकरण की जो अपन बोलते हैं उसके द्वारा वो ड्राई हो जाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन की, हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं या किस लिए। तो पहला प्रिजर्वेटिव्स, प्रिजर्वेशन ऑफ ड्रग प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बल्क ड्रग्स, इम्प्रूव हैंडलिंग, इम्प्रूव्ड करेक्टरिस्टिक्स, यानी इसके कौन कौन से करेक्टर्स होते हैं उसके लिए यूज़ किया था। प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स, प्रिजर्वेशन ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट्स में देखते हैं ड्राइंग इज द नेसेसरी इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिटोरेशन आ फ्यू एग्जाम्पल आर, यानी कोई भी जो अपना बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है उसके प्रिजर्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, ड्राइंग का प्रोसेस का यूज करते हैं।
इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो ब्लड प्रोडक्ट्स हो गए, टिशू हो गए, माइक्रोबियल ग्रोथ्स हो गए, या इफेक्ट्स ऑफ द टैबलेट या कैप्सूल जो रहते हैं सिंथेटिक मटेरियल्स के द्वारा ड्रग्स बनाते हैं उसमें भी हम क्या करते हैं उसके प्रिजर्वेशन के लिए ड्राइंग प्रोसेस का यूज करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ द बल्क ड्रग, जो अधिक मात्रा में अगर हम ड्रग बनाते हैं और वो ड्रग क्या है लिक्विड, उसमें लिक्विड है या कोई मॉइस्चर कंटेंट है तो उसको ड्राई करने के लिए क्या करते हैं अपन ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें ड्राइंग प्रोसेस इज द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोसेसिंग, यानी जब मटेरियल कोई ड्रग बनाते हैं तो उसकी लास्ट स्टेज में क्या करते हैं ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। इसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, इसमें स्प्रे ड्रायर के द्वारा लैक्टोज या पाउडर वगैरह जो रहते हैं उसको ड्राई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्टरिस्टिक्स, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस है ड्राइंग प्रोसेस के, पहला है ग्रेन्यूलेशन आर द ड्राई इंप्रूव द फ्लूडिटी ऑफ द कंप्रेशन करेक्टरिस्टिक्स, यानी जब कोई हम ग्रेन्यूल्स बनाते हैं या कोई ग्रेन्यूल्स या टैबलेट कैप्सूल के लिए बनाते हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है ग्रेन्यूल्स को ड्राई करना पड़ता है, वहाँ पर हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। विस्कस ऑफ द स्टिकी मटेरियल, यानी कोई मटेरियल क्या है अपना कोई स्टिकी मटेरियल है या वेपराइज मटेरियल है तो उसको भी ड्राई करने के लिए हम ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। रिमूवल ऑफ द मॉइस्चर मेक्स द मटेरियल लाइट इन द वेट ऑफ द रिड्यूस, हल्का सा गीला कोई मटेरियल है हल्का गीला मटेरियल है तो उसको भी ड्राई करने के लिए हम क्या करते हैं ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। द ट्रांसपोर्टेशन विल बी लेस स्टोरेज इन बिल्ली, और क्या होता है जब मटेरियल ड्राई हो जाता है तो ट्रांसपोर्टेशन में और स्टोरेज करने में हमें आसानी होती है। मॉइस्चर प्रेजेंट द साइड रिएक्शन ड्रग्स इन द, अगर किसी मटेरियल में क्या है लिक्विड या मॉइस्चर कंटेंट है तो वहाँ पे साइड रिएक्शन करने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब हम ड्राई कर लेते हैं उस मटेरियल को तो हमें साइड रिएक्शन करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, आसानी से साइड रिएक्शन उसका हो जाता है। ड्राइंग रिड्यूस द मॉइस्चर कंटेंट, ड्राई के द्वारा या ड्राइंग प्रोसेस के द्वारा हम उसको पूर्णतः या पूरी तरीके से ड्राई कर सकते हैं सुखा सकते हैं, ये ड्राइंग प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ड्राइंग प्रोसेस, इसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म के द्वारा या मैकेनिज्म होती हैं ड्राइंग प्रोसेस। पहली है लिक्विड डिफ्यूजन, इफ द वेट सॉलिड इट एट द टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, जब हमें क्या करना पड़ता है कोई लिक्विड है तो उसमें हल्का सा बॉयल या गर्म करके हम उसका लिक्विड का डिफ्यूजन कर देते हैं हटा देते हैं तो वो मटेरियल ड्राई हो जाता है, उस प्रोसेस में या मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं लिक्विड डिफ्यूजन बोलते हैं। वेपर डिफ्यूजन इज द लिक्विड वेपोराइज, यानी वेपर के द्वारा वाष्पीकरण की विधि के द्वारा वाष्पीकरण प्रक्रिया के द्वारा भी क्या हो सकता है मटेरियल को ड्राई किया जा सकता है या ये मैकेनिज्म यूज होती है वेपर डिफ्यूजन। कंडेंसेशन डिफ्यूजन, इफ ड्राइंग द टेक्स प्लेस एट द वेरी लो टेम्परेचर, हल्के या कम लो टेम्परेचर में या कम प्रेशर में इसमें क्या करता है ड्राइंग प्रोसेस का यूज़ किया जाता है, जो क्या होता है इसमें वाष्पीकरण या वेपोराइजेशन हो जाता है उसके द्वारा भी हम ड्रग का क्या करते हैं ड्राइंग प्रोसेस ड्राइंग करते हैं। नेक्स्ट है इक्विपमेंट, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। पहला है ड्रम ड्रायर, इसको फिल्म ड्राइंग भी बोलते हैं, स्प्रे ड्रायर हो गया, फ्रीजेज ड्रायर हो गया, ट्रे ड्रायर, फ्लूडाइज बेड ड्रायर और वैक्यूम ड्रायर। अब इसमें से हम एक एक करके सभी इक्विपमेंट्स को देखेंगे तो पहला है अपना ड्रम ड्रायर में कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ड्रम ड्रायर में क्या इट कंसिस्ट ऑफ द ड्रम अबाउट द 0.75 टू 1.5 मीटर इन डायमीटर एट टू 2.4 मीटर इन द लेंथ द हीटेड इंटरनली यूज बाय द स्टीम एंड रोटेटेड लॉगनिज्म, एक ड्रम के टाइप में रहता है और इसमें क्या रहता है एक बास्केट बनी होती है जिसमें लिक्विड भरा रहता है और ये क्या करता है राउंड करता है और इसमें जो इसका एक ड्रम है इसमें क्या होती है स्टीम प्रोवाइड रहती है हीट स्टीम रहती है जो गर्म वाष्प रहती है वो इसमें इनलेट कराते हैं। वर्किंग की बात करें तो इसमें द लिक्विड इज द अप्लाइड टू द सरफेस एंड स्फीयर टू अ फिल्म, यानी जब हम इस ड्रम ड्रायर को चलाएंगे या यूज करेंगे तो क्या होता है इसमें जो लिक्विड में डिप रहता है ड्रम क्या होगा लिक्विड में डिप रहेगा और जब हम इसको राउंड करवाएंगे तो क्या रहती है इसमें दो चीज़ें रहती है, एक रहता है सेपरेट स्प्रेयर रहता है, एक रहता है नाइफ रहता है। इसमें क्या होता है जब डिप कराते हैं और इसमें इनलेट हॉट एयर इनलेट रहती है तो जब ये यहाँ पे बास्केट से जो लिक्विड है या मटेरियल है इसको डिप करके ऊपर ले जाएगा तो ये क्या करती है स्प्रेयर का काम रहता है इसको पतला करने, यानी जो लेयर होती है उसको पतला करते हैं और ये क्या होने लगती है स्टीम इसमें रहती है तो ये क्या रहती है इसी सरफेस को गर्म कर देते हैं। सरफेस को गर्म करने के बाद क्या होती है जब सरफेस राउंड करके यहाँ पर आती है तो नाइफ जो रहता है उस सरफेस को कट कर देता है, यानी यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो क्या हो जाता है ड्राई हो जाता है और उसको स्टोरेज कर लिया जाता है, ये प्रोसेस रहती है आपके ड्रम ड्रायर में। यूजेस की बात करें तो ड्रम ड्रायर का यूजेस कहाँ करते हैं अपन, यूज द ड्राइंग सॉल्यूशन में, सिलोरी बनाने में, सस्पेंशन अदर इटीसी जो प्रोडक्ट रहते हैं वहाँ पे यूज करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टार्च प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारे जो प्रोडक्ट्स दिए गए हैं वहाँ पे हम क्या करते हैं ड्रम ड्रायर का यूज़ करते हैं।
एडवांटेजेस की बात करें, एडवांटेज में ड्राइंग टाइम्स इज लेस ओनली इन फ्यू सेकेंड, इसमें ज़्यादा समय की बचत होती है, ज़्यादा समय कंज्यूम नहीं होता है और कुछ सेकेंड या कुछ मिनटों में इसमें काम किया जा सकता है। ड्रम ड्रायर ऑक्यूपाई द लेस स्पेस, इसको कम जगह की जरूरत पड़ती है, ज़्यादा स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती है। प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन द कम्प्लीटली ड्राइड एंड द फाइनल फॉर्म, और इसमें क्या होता है आसानी से जो प्रोडक्ट होता है अपना पूर्णतः ड्राई हो जाता है या सूख जाता है। रेट ऑफ द हीट मास ट्रांसफर, इसमें जो हीट इसकी रेट जो रहती है दर रहती है हीट ट्रांसफर की वो बहुत अच्छी रहती है, उसमें अपन को बार बार उस प्रोसेस को दोहराना नहीं पड़ता है, आसानी से ये ड्राई हो जाता है मटेरियल। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो मेंटेनेंस कॉस्ट इन द हायर, थोड़ा इसमें क्या होता है मेंटेनेंस, जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं तो उसमें थोड़ा कॉस्टली होता है। सिल्क स्किल्ड द ऑपरेटर एसेंशियली टू कंट्रोल फीड ऑन रेट, यानी इसमें थोड़ा सा ऑपरेट करने के लिए क्या चाहिए अपन को, जो उसको मशीन के बारे में जानता हो या इसको ऑपरेट करता हो नॉलेज हो वही इस पर काम कर सकता है। नेक्स्ट है स्प्रे ड्रायर। स्प्रे ड्रायर की बात करें तो एक इसमें कॉनिकल फ्लास्क का एक इक्विपमेंट होता है और इसमें ऊपर की तरफ दो स्लाइड या ट्यूब लगी होती है, हॉट इनलेट यानी गर्म हवा को अपन इनलेट कराते हैं। इसमें दूसरा होता है लिक्विड फीड, यहाँ पे जहाँ से हमको उस मटेरियल को इनलेट कराते हैं जिसको हमको ड्राई करना है। नीचे की तरफ हम जाएं तो इसमें एक एयर आउटलेट की ट्यूब लगी होती है जिससे जो हवा यहाँ पे ड्राई हो जाती है या मटेरियल ड्राई होने के बाद जो भी एयर बचती है वो बाहर निकल जाती है और जो मटेरियल अपना ड्राई हो जाता है उसको हम नीचे की तरफ से कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें क्या होता है जब यहाँ से लिक्विड को नीचे के लिए इनलेट कराते हैं तो एटोमाइजर होता है। एटोमाइजर का काम होता है कि जो ड्रॉप्स आपके आ रहे हैं लिक्विड के ड्रॉप्स आ रहे हैं उसको ड्राई कर देते हैं और ड्राई ड्रॉप्स के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। और एक ये होता है ड्राइंग चैम्बर होता है यहाँ पे जो कि ये सारी प्रोसेस होती है ड्राई होने की। इस पे टायर में बात करें तो इसकी वर्किंग की थ्री स्टेज में होता है। पहला है एटोमाइजेशन ऑफ द लिक्विड, ड्राइंग ऑफ द लिक्विड ऑफ ड्रॉपलेट्स, रिकवरी ऑफ द ड्राई प्रोडक्ट्स, यानी ये थ्री स्टेज होते हैं जिसके द्वारा इस पे टायर काम करता है। अब हम इसमें बात करें वर्किंग की तो इसमें हमने क्या किया, इसमें एक अपन ने यहाँ पे मटेरियल है जिसको ड्राई करना है या लिक्विड मटेरियल लेंगे उसको यहाँ से इनलेट कराएंगे और दूसरी तरफ से क्या करेंगे हॉट एयर को इनलेट कराएंगे। तो जैसे इसमें एटोमाइजर यानी जो पहली प्रोसेस होती है एटोमाइजर होता है जो, तो क्या करता है लिक्विड ड्रॉप्स को क्या करता है ड्राई कर देता है या उस मटेरियल को नीचे की तरफ करता है और ये क्या है एक साइक्लोन की तरह काम करता है और वहाँ पे मटेरियल को ड्राई करके क्या करता है जो एयर होती है उसकी उस एयर को इस ट्यूब के द्वारा बाहर निकाल देता है और जो मटेरियल ड्राई हो जाता है उसको नीचे की तरफ धकेल करके उसको हम कलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से स्प्रे ड्रायर क्या करता है काम करता है। नेक्स्ट है ट्रे ड्रायर। ट्रे ड्रायर मोस्टली यूज किया जाता है लैब या लेबोरेटरी में। इस पर क्या होता है एक बॉक्स होता है आयरन का या स्टेनलेस स्टील का बॉक्स बना होता है, इसमें कुछ स्लैब होते हैं, स्लैब में और स्लैब पे क्या रहता है ट्रे रखी रहती है। ट्रे रखने के साथ साथ इसमें क्या होता है एक ट्यूब लगी होती है, यहाँ से इनलेट कराते हैं जो एक वेंट होता है यहाँ से इनलेट कराते हैं और यहाँ पे एक हीटर लगा रहता है और ऊपर की तरफ क्या है एक आउटलेट यानी जो एयर यहाँ पे होती है हीट एयर होती है उसको आसानी से बाहर निकाला जा सके तो वहाँ पे एयर आउटलेट के लिए एक ट्यूब लगी रहती है। इसमें क्या करते हैं हॉट ट्रे ड्रायर में जो भी मटेरियल हमको ड्राई करना है उस मटेरियल को हम इस ट्रे में रख देते हैं। ट्रे में रखने के बाद हम क्या करते हैं उसका टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। टेम्परेचर मेंटेन के बाद क्या करते हैं वो एयर क्या करती है यहाँ से एयर इनलेट होगी और यहाँ पे एक फैन लगा होता है उस फैन को क्या वो फैन क्या करता है उस एयर को राउंड करवाती है या राउंड करवाने के बाद क्या होता है वो हीटर जहाँ पे हीट कर रहा है वहाँ पे जाएगी और वो उस एयर को क्या कर देगा वो गर्म कर देगा। गर्म करने के बाद वो फैन क्या करेगा उस एयर को पूरे स्लैब की तरफ क्या करेगा मूव करेगा। ठीक है तो जहाँ जहाँ से इसमें एयर जाएगी मूव करेगी वहाँ की सारी स्लैब्स क्या हो जाएंगी जो प्लेट रखी हुई है मटेरियल रखा हुआ है वो क्या हो जाएगा ड्राई होने लगेगा और वो एयर ऊपर लास्ट स्टेज में जाकर के क्या हो जाएगी बाहर निकल जाएगी। इस तरीके से ट्रे ड्रायर क्या करता है काम करता है। यूजेस की बात करें तो स्टिकली मटेरियल यानी जहाँ पे स्टिकली मटेरियल होता है वहाँ पे हम क्या करते हैं ट्रे ड्रायर का यूज़ करते हैं। प्लास्टिक सब्सटेंस के में करते हैं, ग्रेन्यूल्स माल्स में करते हैं जो तो ग्रेन्यूल्स रहते हैं उसको ड्राई करने के लिए करते हैं और प्रेसिपिटेट के लिए भी यूज़ करते हैं ट्रे ड्रायर का। एडवांटेजेस की बात करें तो हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल कैन बी डन विदाउट लॉस, इसमें मटेरियल हमारा ज़्यादा लॉस नहीं होता है। ट्रे ड्रायर इज ऑपरेटेड बैच बाय, इसमें हम बैच बाय बैच भी क्या कर सकते हैं इसको ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें इट रिक्वायर मोर लेबर टू लोड एंड अनलोड, यानी जिसमें कोई भी व्यक्ति का सक क्या करता है इसमें सभी लोग वर्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है इसमें एक प्रोफेशनल या जो टेंट बंदा होगा उस वही इसको क्या कर सकता है ऑपरेट कर सकता है। अब आती है वैक्यूम ड्रायर की बात।
नेक्स्ट है अपना वैक्यूम ड्रायर। वैक्यूम ड्रायर में भी एक कैबिनेट होता है जो इंसुलेट होता है, और इसमें क्या रहते हैं, इसमें भी स्लेब्स लगे बने होते हैं। वो स्लेब्स में क्या रखते हैं, मटेरियल रखते हैं जो ड्रग प्रोडक्ट होता है जिसको ड्राई करना है वो रहता है, और इसमें क्या रहता है, कंडेंसर लगा रहता है। कंडेंसर क्या करता है, तो यहाँ पे कूलिंग करता है, उस जो मटेरियल की वेपर्स आ रही हैं उसको कूल करेगा, और यहाँ पर हम क्या करते हैं उस मटेरियल को कलेक्ट कर लेते हैं। जैसे इसकी वैक्यूम ड्रायर, वैक्यूम ड्राइवर क्या, दिस इक्विपमेंट इज द गुड एग्जांपल ऑफ द कंडक्शन ड्राई, यानी ये कंडक्शन ड्राई के ऊपर वर्क करता है, जो क्या करता है वैक्यूम ओवन कंसिस्ट द जैकेट विसल्स, एक जैकेट विसल्स की तरह रहता है इसमें। अब इसमें क्या करते हैं, इसमें भी हम क्या करते हैं, जो मटेरियल रहता है इसका, जब मटेरियल को हमें ड्राई करना है या ड्रग को ड्राई करना है, ड्रग प्रोडक्ट को, तो इसका डोर ओपन करेंगे, और उस ओपन ड्रग को ओपन करने के बाद हम क्या करें, उसकी जो प्लेट्स रहती हैं उस प्लेट्स में उस मटेरियल को रख करके स्लैब पे रख देते हैं। और इसमें जो ये जैकेट दिख रही है, इसमें क्या रहता है, हीट रहती है, इसमें बहुत अधिक टेम्परेचर पर हीट प्रोवाइड की जाती है, उसको गर्म किया जाता है, फिर उसमें क्या होता है, हम वैक्यूम के द्वारा उसमें क्या करते हैं, वैक्यूम के द्वारा उस हीट को कूल करते हैं। जब कूल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैक्यूम ड्रायर काम करेगा, वो वैक्यूम क्या करेगी, उसको टेम्परेचर को लो करेगी, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक लो कर देती है, और वो वेपर क्या हो जाती है, वेपर होकर के वो क्या हो जाती है, यहाँ पर कंडेंसर में जाती है, और वहाँ पे कूल होकर के उस मटेरियल को ड्राई कर देता, उस मटेरियल को हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एडवांटेजेस की बात करें तो इट प्रोवाइड द लैक्स सरफेस एरिया ऑफ द हीट ट्रांसफर, यानी इसको लार्ज सरफेस एरिया, जितनी अधिक से अधिक मटेरियल, अधिक से अधिक जो एरिया रहता है उसमें जो भी मटेरियल है उसको ड्राई कर सकते हैं। हैंडलिंग ऑफ द मटेरियल ट्रे एंड इक्विपमेंट आर इजी, इसमें जो ट्रे रहती हैं ट्रे ड्राई की तरह आसानी से यूज़ किया जा सकता है। इट इजी ऑफ फॉर द स्विचिंग ओवर द नेक्स्ट मटेरियल, और स्विच करके हम दोबारा इसको यूज कर सकते हैं नेक्स्ट मटेरियल को ड्राई करने के लिए। हॉट वाटर ऑफ द डिजायर्ड टेम्परेचर कैन बी सप्लाइड, इसमें गर्म पानी या गर्म स्टीम को क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी, इसमें जो कैपेसिटी रहती है मटेरियल को ड्रग करने की वो लिमिटेड रहती है। इट इज़ मोर एक्सपेंसिव देन द ट्री ड्रायर, और ये क्या होता है, ट्री ड्रायर से थोड़ा सा महंगा रहता है। थैंक यू।